नमस्कार, लखनऊ के क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। यदि आप ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज जानने की रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, न्यूज को बिना स्किप किए न्यूज के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये खबर आपके लिए हो सकता है बेहद खास। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की ताजा खबर। शिकायतों के निस्तारण में सुधार अमेठी सहित 6 जिले टॉप पर, प्रयागराज व आगरा सबसे फिसड्डी जिले। जी हां, जन शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जिलों के बीच बेहतर करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इसी का नतीजा रहा कि दिसंबर में अमेठी सहित 6 जिले एक साथ टॉप एक रैंक पर आए हैं। दूसरी ओर प्रयागराज व आगरा जैसे बड़े जिलों में शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता की हिदायतों का खास फर्क नजर नहीं दिखा। दोनों जिले संयुक्त रूप से अंतिम पायदान पर है। लखनऊ में भी आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण व गुणवत्ता की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। 75 जिलों में लखनऊ 91 पायदान पर है। UPSSC रिक्त पद को भरेंगे तो चुनावी साल में 52,000 युवाओं को मिलेंगी सरकारी नौकरी। जी हां, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई की तो चुनावी वर्ष में करीब 52,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। UPSSC के पास 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव पहले से लंबित था। आयोग ने पिछले दिनों विभागों को ये प्रस्ताव वापस कर आरक्षण का नियम अनुसार निर्धारण कर नए सिरे से उपलब्ध कराने को भेजा था। UPSSC 115 युवाओं को कनिष्ठ सहायक की नौकरी देगी। जी हां, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक विशेष चयन 2017 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। महानिरीक्षक निबंधन के अधीन कनिष्ठ सहायक के रिक्त पर 115 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की समस्तुति जल्दी ही विभाग को भेजने की तैयारी है। आयोग से नए वर्ष की पहली सौगात SC ST व OBC अभ्यर्थियों को मिली है। विशेष चयन में इन्हीं वर्गों के पद रिक्त थे। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि कनिष्ठ सहायक के रिक्त 115 पदों पर लिखित परीक्षा, अर्हकारी टंकन परीक्षा, साक्षात्कार व शैक्षिक अर्हता के अंक के आधार पर चयन किया गया है। विशेष चयन में अनुसूचित जाति के 56, अनुसूचित जनजाति के 16 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 43 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इन रिक्तियों में अनारक्षित के पद शामिल नहीं थे। जहरीली शराब से 5 की मौत पर योगी हुए सख्त। आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जी हां, बुलंदशहर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर हर पीड़ित को बेहतर इलाज दिलाने का निर्देश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दोषी डिस्टिलरी के खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोगों की हालत गंभीर है। गंभीर लोगों को उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस मामले में लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी समेत 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया। रामनगरी के लिए MP UP की कदम ताल, इंदौर की तर्ज पर होगा अयोध्या का विकास, समझौते पर किया गया हस्ताक्षर। जी हां, देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल इंदौर मॉडल के मुताबिक ही रामनगरी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा वाले पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए अयोध्या नगर निगम और IIM इंदौर के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत 3 साल के लिए IIM इंदौर अयोध्या नगर निगम के साथ मिलकर काम करेगा। समझौते के मुताबिक IIM अब अयोध्या में आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थली के रूप में स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए अपनी सेवाएं देगा। समझौते पर IIM के निदेशक हिमांशु राय और अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने हस्ताक्षर किए। यूपी में 6 IPS और 31 PPS अधिकारियों के हुए तबादले, विवादों में रहे लक्ष्मी मिश्रा PSC में। जी हां, उत्तर प्रदेश शासन ने देर रात 6 IPS अधिकारियों और 31 प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए। जिन 6 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, उन सभी को प्रांतीय पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पिछले साल प्रमोशन मिला था, लेकिन तैनाती नहीं मिल सकी थी। अब उन्हें नई तैनाती स्थल पर भेज दिया गया है।
बिजनौर में विवादों में रहे अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा को हटाकर पीएससी भेज दिया गया है। इसके अलावा कई जिलों में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक को नई तैनाती दी गई है। लखनऊ में ऑटो पार्ट्स की दुकान पर चोरों का धावा, 100 मीटर दूर बने गाजीपुर थाने को भनक तक नहीं लगी। जी हां, मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र का है। यहां इंद्रिया नगर ए ब्लॉक निवासी अनुराग राजपूत की आजाद मार्केट में ऑटो पार्ट्स की दुकान है। शुक्रवार सुबह अनुराग के पिता कन्हैयालाल रोजाने की तरह दुकान पहुंचे, पिछले हिस्से का शटर उठाकर दुकान में दाखिल हुए तो सन्न रह गए। दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त था, गल्ला खुला पड़ा था। उन्होंने अनुराग को घटना की जानकारी दी। आनंद फानंद में दुकान पहुंचे अनुराग ने बताया कि 30,000 की नकदी और माल पार कर ले गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अनुराग ने बताया कि छत के रास्ते ताला तोड़कर दुकान में चोर दाखिल हुए थे। घटनास्थल के करीब 100 मीटर दूर पर ही गाजीपुर थाना है। चोरों ने पुलिस की नाक के नीचे से चोरी की घटना को अंजाम दिया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इंस्पेक्टर गाजीपुर ने बताया कि पीड़ित के तहरीर पर चोरों की तलाश की जा रही है। लखनऊ में अजीत सिंह मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा, जाने कौन कौन है, दो बड़े नाम आए हैं सामने। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हथियारबंद अपराधियों के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग के दौरान अजीत सिंह का एक साथी मोहर सिंह भी घायल हुआ है। इस दौरान एक डिलीवरी बॉय को भी गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में एबीपी गंगा ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। सामने आए हैं ये दो नाम। खुलासे में सामने आया है कि मामले में दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें कुंटू सिंह और गिरधारी शामिल है। बता दें कि कुंटू सिंह फिलहाल आजमगढ़ की जेल में बंद है और 2013 में बीएसपी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या में शामिल रहा है। गिरधारी कंटू सिंह का शूटर है, जिस पर 1,00,000 का इनाम घोषित है। गिरधारी और इसी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर अजीत सिंह की हत्या की है। 12 को सीआरबी करेंगे लखनऊ के रेलवे प्रोजेक्टों का मंथन, 1900 करोड़ रुपए की लागत से होगा विकास। जी हां, राजधानी स्थित गोमती नगर को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने सहित रेलवे की लखनऊ की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर नवनियुक्त रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सुनीत शर्मा समीक्षा करेंगे। सीआरबी की समीक्षा को लेकर रेलवे ने अपने पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। 1 जनवरी को ही सुनीत शर्मा सीआरबी बने हैं। रेल मंत्रालय इन दिन लखनऊ की लंबित परियोजनाओं को लेकर सख्त है। यहां करीब 1900 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर गोमती नगर को विश्व स्तरीय बनाने, आलमनगर उतड़ेर टिया मालगाड़ी के बाईपास की एकल लाइन की डबलिंग, आलम नगर स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन बनाने, मानक नगर स्टेशन पर लूप लाइन की संख्या में वृद्धि सहित कई योजनाओं पर काम चल रहा है। लखनऊ के कन्फेक्शनरी के अवैध गोदाम में लगी भीषण आग, लपटों में जलकर सब कुछ हुआ खाक। जी हां, राजधानी के ताजीखाना अस्तबल चारबाग में स्थित कन्फेक्शनरी गोदाम के शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। गोदाम घर के अंदर अवैध रूप से चल रहा था। आग की लपेट में आने से गोदाम में रखा भारी मात्रा में माल जल गया। दरअसल ताजीखाना अस्तबल चारबाग निवासी हिमांशु के पास कई कन्फेक्शनरी आइटम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। घर के अंदर नीचे उन्होंने गोदाम बना रखा है। शुक्रवार तड़के गोदाम से धुआं और आग की लिपटें निकलती देख आस पड़ोस के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर हिमांशु आनंद फानंद नीचे उतरे। उन्होंने गोदाम का ताला तोड़कर पानी फेंककर आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हिमांशु ने मोहल्ले वालों को मदद के लिए बुलाया, पर मर्सिबल पंप चालू कर हिमांशु ने मोहल्ले वालों की मदद से पानी फेंकना शुरू किया। करीब घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद हिमांशु ने मोहल्ले वालों की मदद से आग पर काबू पाया। हिमांशु ने बताया कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग की चपेट में आने से गोदाम में बाहरी कमरे में रखा माल जल गया, जबकि अंदर वाले कमरे में रखे माल को बचा लिया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।